chemistry map work. First question, these questions are very important and generally questions will come to identify the place and in which year the session was organized. Indian National Congress session were organized in particular place. आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल कैलकटा सेशन वॉज ऑर्गेनाइज इन 1920. सो हियर द प्लेस विल नॉट बी गिवन. ठीक है. एंड मे बी ईयर विल नॉट बी गिवन. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से ईयर पे कैलकटा में 1920 में हुआ था या फिर नागपुर में 1920 में हुआ था. ठीक है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Locate and label the following Indian National Congress sessions on the given political outline of India with appropriate symbols. First, Calcutta session. It was September 1920 when the concept of non-cooperation movement was, they were discussed. And then in Nagpur session in December 1920, what were the difference between both the sessions? ठीक है, आपको ये explain किया गया था. मद्रास सेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली जो है वो बच्चे इसमें कन्फ्यूज आते हैं. मद्रास सेशन का याद नहीं रखते हैं तो 1927 में वो आता है. ये वन मार्क्स के लिए भी और मैप वर्क के लिए. ठीक है. देन लाहौर सेशन वेयर दे सेलिब्रेटेड दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इन दिसंबर 1929 द कम्प्लीट इंडिपेंडेंस सम पूर्ण स्वराज डे. ठीक है. तो ये वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी है और आप मैप में देख सकते हो आंसर्स आर गिवन. तो फोर्थ का आंसर जैसे कि लाहौर सेशन आप मैप में कैसे लोकेट कर रहे हो. इट इज़ जस्ट नियर टू द बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब. पंजाब एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर है आप वो स्टेट वाइज याद कर लोगे कि किस स्टेट के नियर बाई है तो आपको बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा. मैप में आप कैसे लोकेट करेंगे ये मैप को आप फाइल में भी करने वाले हैं. सेम एज इट इज जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे पीडीएफ से कॉपी करेंगे. लाहौर इज लोकेटेड नाउ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान. ठीक है. सो योर सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज ऑर्गेनाइज इन लाहौर इन 1929. ठीक है. तो वन लाइन में स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आप लिखेंगे कि यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है वो उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए अडॉप्ट किया था. इस आइडिया को अडॉप्ट किया था इन लाहौर सेशन एंड देन दे सेलिब्रेटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे इन 1930 इन कराची सेशन. तो कराची और लाहौर दोनों जो है वो पाकिस्तान में है. कराची का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ लाहौर का ही आएगा जहाँ पे यह आइडिया अडॉप्ट किया गया था. ठीक है. नाउ फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं. फर्स्ट पॉइंट वेयर द कैलकटा सेशन वॉज ऑर्गेनाइज इट इज लोकेटेड इन कैलकटा. यू कैन सी. ठीक है. कैलकटा इज द ओल्ड नेम ऑफ कोलकाता एंड जो मार्क किया गया है सिंगल बुलेट्स ब्लैक बुलेट्स के थ्रू आप मार्क करेंगे. ठीक है. देन सेकेंड वेयर द इंटरनेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1920 वेयर दे अडॉप्टेड द नॉन कॉपरेशन आइडिया. दिस वॉज ऑर्गेनाइज इन नागपुर. तो नागपुर कहाँ पे है आप देख सकते हो. थोड़ा सा सेंट्रल मध्य प्रदेश से बिल्कुल आप सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश पे अगर आप पेंट रखते हैं तो उसके जस्ट नीचे नागपुर करेंगे. कई बच्चे जो है वो नागपुर इधर कर लेते हैं सोचते हैं महाराष्ट्र में है तो वेस्ट साइड में होगा. ठीक है. तो वो गलत भी हो जाता है. लेकिन अगर ऑलरेडी ए बी सी या 1 2 3 करके आइडेंटिफाई करने के लिए आया है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेकिन ईयर के वजह से कन्फ्यूजन हो सकती है 1920. तो आप याद रखना कि सितंबर में कैलकटा में हुआ था और दिसंबर में नागपुर में हुआ था. ठीक है. मद्रास इट इज योर. ठीक है. मद्रास इज डिफरेंट देन दी चेन्नई. चेन्नई का लोकेशन डिफरेंट है और मद्रास इज डिफरेंट. वहाँ के ट्राइबल्स हैं उनके नाम पे मद्रास रखा गया था. ओके. नाउ लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. Locate and label. Yes, please ask. Ma'am, what was the significance of the Congress session at Madras in 1927? Yes, 1927 session is important where they actually discussed the report of Simon Commission. Means where the constitutional reforms were, has to be given at before the Indian leaders. They were, in this session they were going to discuss about these reforms in 1927. Okay? Yaad rahega, Simon Commission was
in 1927. So in this session, the Congress leaders were going to discuss about the Salmon Commission. Okay. Now, it is not given in detail, very much in detail in book NCERT, but one liner, one marks के लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है? चाहे वो map work हो, चाहे वो one marks के लिए question, ठीक है? Then look at the this one. These are very important events wise जो chapter में दिए हैं, map में कैसे locate करेंगे? आप ये देखें चंपारण मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है? चंपारण में भी दिया भी हो और में भी ना भी दिया हो, आपको उस जगह का नाम खुद आइडेंटिफाई करना होगा। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स को हमें याद रखना है, जो ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था वो बिहार में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, ठीक है? नील क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन चंपारण से स्टार्ट हुआ था, सत्याग्रह का पहला एक्सपेरिमेंट। तो अगर चंपारण नाम नहीं भी दिया है तो भी आप आइडेंटिफाई करके आप खुद से आप लिखेंगे कि ये चंपारण बिहार में हुआ था, ठीक है? 1960 में वैसे स्टार्ट हुआ था ब्लू रिवॉल्यूशन, लेकिन गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट जो है वो 1917 में किया था, तो आपके एनसीईआरटी में 1917 लिखा है ना? सेकेंड देखते हैं, खेड़ा रिलेटेड टू पेजेंट सत्याग्रह। तो खेड़ा भी कभी कभी नहीं दिया होगा, आप उसे कंफ्यूज नहीं होंगे। पेजेंट सत्याग्रह जो है वो गुजरात खेड़ा में हुआ था, जो कि सौराष्ट्र, पहले जो ओल्ड नेम था वो सौराष्ट्र था, सौराष्ट्र में खेड़ा, याद रखना है कि गुजरात में है ये, सौराष्ट्र ओल्ड नेम था गुजरात का और खेड़ा गुजरात में है, ठीक है? तो पेजेंट सत्याग्रह। देन थर्ड इज अहमदाबाद सेंटर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स। अहमदाबाद में नहीं दिया होगा, सिर्फ कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह या मूवमेंट लिखा होगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कॉटन मिल्स जो है वो अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा है, तो उसी के थ्रू आपको ये पहचान जाओगे कि कॉटन मिल वर्कर्स जो हैं उनका मूवमेंट, उनका सत्याग्रह तो अहमदाबाद में हुआ, ठीक है? देन फोर्थ, अमृतसर रिलेटेड प्लेस टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट। इसमें भी प्लेस का नाम नहीं दिया होगा, सिर्फ इवेंट लिखा होगा। लोकेट प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर टू प्लेस इंसिडेंट हैपेंड, कुछ भी ऐसा लिखा होगा, आपको जगह आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? सो दैट टुक प्लेस इन अमृतसर पंजाब, जहाँ पे लाहौर आपने अभी मार्क किया था, जस्ट उसी जगह पे ही है। देन फिफ्थ, चौरी चौरा इवेंट वेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विदड्रॉन इन 1921। सो हियर यू विल मार्क इट नियर द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, चौरी चौरा, अभी मैप को देखते हैं। दांडी स्टार्टिंग प्लेस फ्रॉम सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। दांडी कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे उन्होंने मार्च करके पहुंचे थे कोस्टल रीजन में, ठीक है? यस, इज देयर एनी डाउट? ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पे फर्स्ट है चंपारण, इट इज लोकेटेड इन बिहार, बिहार में आप इसको लिख लोगे, ठीक है? देन सेकेंड इवेंट इज इन गुजरात खेड़ा। देन थर्ड इज अहमदाबाद, ठीक है? ये दोनों ही जो है, ये तीनों बल्कि दांडी और खेड़ा और अहमदाबाद, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो है वो गुजरात में लोकेट होंगी। दांडी जो है वो थोड़ा सा गल्फ ऑफ बॉम्बे के पास है, गल्फ ऑफ बॉम्बे आप देख रहे हो, दो जो लैंडमार्क्स है उनके बीच का जो पार्ट है उसको हम गल्फ कहते हैं, ठीक है? तो जो ये गल्फ वाला पार्ट है, यहाँ पे दांडी कोस्टल रीजन है, ये आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपको लोकेट करना है, जहाँ पे मेरा कर्सर है आपको दिख रहा है, मार्क तो किया ही हुआ है मैप पे, ठीक है? देन लुक एट द फोर्थ वन, फोर्थ है हमारा अमृतसर, जहाँ पे कि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। लाहौर थोड़ा सा आपने पाकिस्तान में शो किया था, अमृतसर जो है वो बॉर्डर के अंदर, यानी कि बॉर्डर के इनसाइड जो है वो आप लोकेट करेंगे, ठीक है? क्लियर है? देन फिफ्थ वन इज चौरी चौरा, इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि नेपाल के जस्ट बॉर्डर्स में टच होता है, तो बहुत ही माइनरली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। मैप स्किल्स, मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी आइडेंटिफिकेशन और आपकी रिमेम्बरिंग पावर पे बेस होते हैं, इसीलिए मैप क्वेश्चन दिए जाते हैं, जस्ट टू चेक योर आइडेंटिफिकेशन पावर, योर एनालाइजिंग स्किल एंड योर रिमेम्बरिंग पावर, ठीक है? तो आप मैप में कहाँ पे लोकेट करते हैं, ये आपका ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस हर स्टेट का आप आइडेंटिफाई करके फिर आप लोकेट करेंगे। जैसे किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री का मैप आप जब लर्न करते हो तो उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, किन पार्ट्स में कौन सी जगह जो है वो आती है, कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप स्टेट वाइज डायरेक्शंस को पहले लर्न करेंगे, देन यू विल आइडेंटिफाई। नाउ थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस आर मार्क्ड, आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ दीज सेशंस एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑफ द लाइंस फ्रॉम नियर देम। ठीक है, यहाँ पे नाम कुछ नहीं लिखा होगा मैप में, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग है, नागपुर में यस नागपुर सेशन जो है वो कौन सी ईयर में हुआ था। अब नागपुर इज रॉन्गली मार्क्ड, नागपुर इज रॉन्गली मार्क्ड, यस इट इज रॉन्गली मार्क्ड। ठीक है, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय सम टीचर, सो इट इज रॉन्गली मार्क्ड, यू कैन करेक्ट इट। इट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है, जस्ट एट द सेंटर ऑफ द मध्य प्रदेश, जस्ट आप उसके सेंटर से पेंसिल से ड्रॉ करके महाराष्ट्र तक लेके आएंगे लाइन को और वहाँ पे मार्क करेंगे बुलेट बना के, नागपुर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये वाला गलत है, आपको तो नहीं नहीं नहीं। हाँ, 19 दिसंबर। हाँ, और क्या कहता मैं जो हुआ था वो कब हुआ था, यस। ठीक है, तो इसी तरीके से फोर्थ देखते हैं। देखिए यहाँ पे जगह का नाम नहीं लिखा है, सत्याग्रह सेंटर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, यू विल आइडेंटिफाई, पहले आप नेम्स लिख लेंगे और ठीक है। अब आपको बताना है जैसे पेजेंट सत्याग्रह सेंटर इन गुजरात, तो कहाँ पे हुआ था ये, खेड़ा में हुआ था। ओके, देन सत्याग्रह सेंटर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको समझ में आ चुका है बहुत अच्छे से। द प्लेस रिलेटेड टू द कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यस इट इज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, इस तरीके से भी याद करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, दांडी। ठीक है, दांडी इज लोकेटेड नियर सूरत विच इज द गल्फ ऑफ बॉम्बे में लोकेट करता है, कोस्टल रीजन। ठीक है, देन द रिलेटेड सिटी टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट, अमृतसर इन पंजाब। ठीक है, सेम मैप अभी हमने देखा, क्लियर है सभी को। तो ये ही आपके जो है वो हिस्ट्री का मैप है चैप्टर टू से रिलेटेड, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। इस टेस्ट पे तो नहीं आएगा बट फॉर टर्म वन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यस चैप्टर टू ऑफ हिस्ट्री इज इन टर्म टू, यस इट विल बी इन टर्म टू। Understood everyone? Is there any doubt? I'm in the... No, ma'am. In tomorrow test, I will not give map. Basically, only objective type questions will come. So this PDF is consisting the map skill. Okay? How you can prepare yourself for map? It is given here. You can just download this PDF for your later use. आप बाद में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें ज्योग्राफी के भी हैं सारे पॉइंट्स, ज्योग्राफी वाले भी दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें ज्योग्राफी का सेकेंड थर्ड चैप्टर जो कि हमारा रिवर वाटर रिसोर्सेज से है वो भी दिया हुआ है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल, यू कैन जस्ट सेव दिस फॉर योर फ्यूचर पर्पस, आप कैसे आपको इसमें से लर्न करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी ये सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे, हम आते हैं नेक्स्ट मैप वर्क पे। इज इट विजिबल, ओके, सो यू कैन सी हियर ऑल द मैप्स आर डन हियर, यू कैन यूज ओनली आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, बट फॉर
for history purpose, for history chapters, you can use such kind of maps. This is a specially used for historical maps where the Pakistan and other regions are also shown in this map. ठीक है पाकिस्तान yes ठीक है you can see ये हमारा last chapter है wifis of India. उसका map work है international airports. It has represented very nicely. न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन. इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो शायद हटा दिए गए हैं इस साल. तो आप जो पॉइंट्स आपको CBSE सर्कुलर में दिए गए हैं ठीक है वही आप मैप में इसमें मार्क करना. सेम इसी तरीके से यू कैन यूज ब्लू पेन और एनी